शेख जहांगीर जो 40 साल के हैं, साबिर नगर में रहते हैं, 29 नवंबर सुबह 11:30 बजे से कहीं गुम हो गए हैं। आसिफ नगर थाने में भी शिकायत दर्ज करवा दी गई है। शेख जहांगीर के भाई ने मीडिया से बात करते हुए तफसीलात बताई। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मेरा नाम शेख फहीम है, ये हमारे भाई छोटे भाई गुमशुदा है, जहांगीर है, शेख जहांगीर है इनका नाम। खीर से लापता है, खीर के दिन कोई साहब को अगर मिले तो दिखे तो लोग पुराने पुल पे दिखे उनको, तो पुराने पुल से हम लोग बच्चों को भिजा के देखे तो नहीं थे वहाँ। उसके बाद में मुलाकात ही नहीं, फिर उसके बाद में ये आसिफ नगर PS को वहाँ पे भी कंफर्म करे तो PS वाले भी बोले कि हम देख रहे हैं, क्या देखने के बाद में हम लोग अपना भी देखो, हम लोग भी देख रहे हैं। कहीं भी अगर दिखे किसी साहब को तो आप ला के इस साबिर नगर कॉलोनी में केस के फंक्शन हॉल के बाजू में हमारा मकान है, आप लोगों से अदा पर गुजारिश है कि अपने साबिर नगर को ला के छोड़ दीजिए। उम्र उनकी है 40 साल की उम्र है, दिमागी आला सैनी है। इससे पहले भी गए थे क्या कहीं? इससे पहले गए थे मासा टैंक पे, पब्लिक बोली थी कि हमारे दोस्ता देखे दिखे थे, बोलते 3 दिन के बाद में हम जाके लेकर आ ले तो मिल गए थे। अब कब गए फिर इन्हों? अब पीर के दिन गए, मंडे के दिन 29 तारीख के दिन, 29 तारीख के दिन लापता है घर से। आप लोग जो भी है इस वीडियो को देख रहे हैं, आप लोग आपसे अदबन गुजारिश है हमारी कि आसिफ नगर PS में इनको लेकर आके छोड़ सकते हैं, या तो ये फ़ोन नंबर हमारा शेख फहीम का है, इनके यहाँ पे भी इत्तला कर सकते हैं हम लोग को। हम लोग जहाँ भी रहे ना हम आ जाते। जो परेशानी है, परेशान है, पूरे घर में रोलम रात लगी हुई है, किसी साहब को भी अगर नज़र आए तो इस फ़ोन नंबर है इस पे कॉल कर दीजिए, या नहीं तो आसिफ नगर PS में, या तो इस प्रेस वाले भाई को, या ये नंबर जो है इस पे नंबर पे भी इत्तला कर सकते हैं आप लोग, ले लेंगे वहाँ से आके। बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकअल्लाह खैर।